टोटल 5000 कैमरे हैं। दिस इज आवर ओल्डेस्ट कैमरा। वेल, अभी चलते हैं म्यूजियम के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं ए टू जेड कैमरा, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी कैमरास बने हैं ना, वो सारे कैमरास देखेंगे। दिस इज आवर ओल्डेस्ट कैमरा। Now this is a daguerreotype and that's the original daguerreotype image from 19th century and this camera is from 1860s. So was this picture taken from that camera? No. It's the same vintage, okay. But not from the same camera. Okay. So this guy is lifetime. Too creative. Yeah. We can't think like that. Have you seen a film called Night at Museum? जो ये सर है ना, ये इन्हीं का म्यूजियम है। इंटायर जो म्यूजियम है, उस म्यूजियम के वो ओनर है। पहले के कैमरा कैसे होते थे? म्यूजियम इतना बड़ा है, हम सोचे भी नहीं होंगे इस टाइप के भी कैमरे आते हैं। क्या ही बताएं ये म्यूजियम के बारे में। अब जो मैं यहाँ पे आया हूँ ना, यहाँ पे आप कैमरा का साइज देखेंगे ना, चौंक जाएंगे। देखो साइज, देखो ये है कैमरा। अभी के जो कैमरास होते हैं वो पॉकेट कैरी होता है, हैंड कैरी होता है। ऐसे कैमरे को क्या कहेंगे, लगेज कैरी। फ्लैश लाइट देखो यार, फ्लैश लाइट। ये जितने भी कैमरास है ना, ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड है। कैमरास जो पहले बनते थे और जो अभी बनते हैं, उनमें जितने भी ब्रांड्स आते हैं ना, वो सारे ब्रांड्स के कैमरास हैं यहाँ पे। जो यहाँ के ओनर जो बता रहे थे वो ये कैमरा है। सो क्या होता था, पेंटर बर्मीर ये उसने बनाया था इस कैमरे के थ्रू, और ये रूम से भी बड़ा होता था एक्चुअल में। सो इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखे आर्टिस्ट ट्रेस करते थे। हाँ। सो नॉर्मली क्या होता था कि आपको स्टीप बैठना होता था कि आप लाइक क्लाइंब यूज करते थे, लाइक आप ऐसे ऐसे नहीं हिल सकते। अगर मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैंने ऐसे किया लाइक आप हिल गए तो इधर पिक्चर, फिर टाइम वेस्ट हो ना कि लाइक इधर मार्किंग किया ऐसे हो गया, तो उसे ट्रेसिंग करते थे और फिर ले जाके स्टूडियो में कलरफुल करते। क्या होता था कि अगर इधर से अगर ब्लैक पूरा रूम है, हार्श लाइट है, तो इमेज एग्जैक्ट शार्प आती है ना, टेक्सचर डिटेल निकल के आते हैं। तो इसका प्रोसेस ये है कि हमको इमेजेस इस पे दिखता है। हाँ। उसके बाद में हमको ये इस पे दिखता है, ऐसे रख के। हाँ। और ड्रॉ करते हैं। अच्छा। ये बर्मीर जो था ना, फेमस आर्टिस्ट, उसने बनाया था ये बर्मीर के बारे में। इस कैप्शन है इयररिंग जोन्स, लाइक ये लड़की का फोटो बनाया। आप बोल रहे हो कि इसका जो साइज होता है वो पूरा रूम इतना होता था। सो इसमें क्या कर दोगे आप, ये पूरा रूम को ब्लैक करते थे। आप ये पूरा रूम ब्लैक है, एक लेंस लगाओगे और उससे जो इमेज आएगी पूरा आप आराम से एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट होके आप स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जहाँ पे आया हूँ ना, यहाँ पे भी कैमरास हैं। टोटल 5000 कैमरे हैं। पूरे 5000 कैमरे को मैं कवर नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए जो भी मुझे ठीक लगे मैं वो आपको दिखाता हूँ। अभी जो जगह पे आया हूँ ना, यहाँ पे आपको कैमरास दिखेंगे, बट पर्टिकुलर ब्रांड के दिखेंगे। जो अलग अलग जो ब्रांड्स के कैमरास होते हैं ना, उसी ब्रांड के कैमरास आपको देखने मिलेगा। ये जो है ब्रांड, ये है कैनन का, और इनके कैमरास हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आते हैं सिनार, अब आते हैं पोलोराइड में। सो अभी आते हैं पेंटेक्स पे, और पेंटेक्स के कैमरे ऐसे हैं। एक सलीम भाई के पास भी कैमरा है, मे बी इस टाइप में ही है।
इस टाइप में है शायद, वो तो ऑफिस जाके मालूम पड़ेगा। अब जो ब्रांड आपको दिखाने वाला हूँ उसी ब्रांड ने हमें इनवाइट किया है इस इवेंट में, वन एंड ओनली निकॉन, उनके सारे कैमराज हैं। ये जो काउंटर दिख रहे हैं ना, ये काउंटर है पहले ज़माने का जहाँ पे फ़ोटोज़ किए जाते थे पेंट, फिर उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पे रील्स होते थे, रील्स को इसके अंदर डाल के यहाँ पे फिर यहाँ पे इसको पेंट करते थे। ये जो जगह है इसको रेड लाइट इसलिए दिया है क्योंकि इसके जितने भी फ़ोटोज़ बाहर आते हैं उसके लिए रेड लाइट चाहिए रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं ये सब इसी में से निकाले हैं। और यहाँ पे और भी ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं यहाँ पे, और ऐसे ऐसे ब्रांड हैं ना हम सोचे भी नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे ब्रांड। वेल यहाँ पे ख़त्म होता है सारे ब्रांड्स, मुझे जितना दिखा मैंने वो सारा शूट किया, अब इससे ज़्यादा शूट नहीं कर सकता क्योंकि एक तो हालत डाउन है, ऊपर से नींद कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी जाना पड़ेगा। तो ये म्यूज़ियम के ओनर हैं, मैं उनसे आपको मिलाता हूँ। हैरिस, हेलो, कैसे हैं? गुड, हाउ आर यू? कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। आप कहाँ के रहने वाले? मुंबई। तो जितना भी आपने देखा म्यूज़ियम में जितने भी कैमराज 5000 वो सब इनके हैं, यही है ओनर। आप वो ये म्यूजियम के बारे में थोड़ा बताइए। कब स्टेबल किया था ये कैमरे? मैंने आज से 40 साल पहले इकट्ठे कर लिए थे। यहाँ पे हजारों कैमरे हैं जो इस फोटोग्राफी हिस्ट्री को बताते हैं कि फोटोग्राफी कैसे स्टार्ट हुई। वो क्रेज कहाँ से आया आपको कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या फिर ये चीज़ करने से मुझे ड्रीम्स था या ऐसा कुछ? तो ऐसे बहुत सारे क्रेजी लोग हैं जो उनसे मिलना बाकी है, तो नाइस टू मीट यू सर, आपसे बहुत अच्छा लगा। सब विजिटर्स को बोलूँगा म्यूजियो कैमरा में आकर के, हम दिल्ली में हैं, गुड़गांव में हैं, म्यूजियो कैमरा लिख लेंगे गूगल पे तो आइए, गूगल मैप में आ जाए तो आप आइए, अगर आप नियरेस्ट हैं या फिर आप कहीं बाहर से हैं तो घूमने आए हैं तो एक बार म्यूजियम ज़रूर विजिट कीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। बाहर हो रही है बारिश, कैमरा बंद करना पड़ेगा। हाय, हेलो, चारों तरफ मॉल ही मॉल है।